पिछले कार्यक्रमों में हमने हिंदी के लोक विख्यात भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका के कुछ पदों की व्याख्या प्रस्तुत की थी। इस कार्यक्रम में आलोच्य कवि तुलसीदास की कुछ अन्य काव्यगत विशेषताओं को रेखांकित करने के साथ विनय पत्रिका के कुछ महत्वपूर्ण चयनित पदों की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में परंपरागत विविध दार्शनिक मतों की निस्सारता को रेखांकित किया है। उन्होंने मनुष्य को प्रभु श्री राम और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए सरलतम साधन भक्ति का प्रतिपादन कर ज्ञान और भक्ति में समन्वय प्रस्तुत किया है। दास्य भक्ति भाव से अनुप्राणित विनय पत्रिका के ये पद विश्व भक्ति साहित्य की अनुपम निधि हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्रती, समझ में नहीं मन रहिए, केशव केशव कहीं न जाए का कहिए, रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप ते ही माही, बद नहीं न सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाही, केशव कहीं न जाए का कहिए, को यह सत्य झूठ कह को, जोगल प्रबल कर माने, तुलसीदास प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। इस कार्यक्रम में व्याख्या के लिए प्रस्तुत सभी पदों का संदर्भ यही रहेगा। आलोच्य पद में तुलसीदास ने संसार की विचित्रता और राम भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है। कवि कहता है कि हे केशव, तुम्हारे द्वारा निर्मित इस संसार के विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है, फिर उसके संबंध में अब क्या कहें। हे हरि, तुम्हारी इस विचित्र सृष्टि को देखकर उसे केवल मन में समझा जा सकता है, उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका कारण है इसकी विचित्रता। परमात्मा रूपी चित्रकार ने माया के शून्याधार पर जो सृष्टि का चित्र बनाया है, उसमें न तो रंग रूपी तत्व है और न ही उसको निर्मित करने वाला बिना शरीर का निराकार ब्रह्म सशरीरी है।
यह अलौकिक चित्र न तो धोने से मिटता है और न ही मरता या नष्ट होता है, जबकि सामान्य चित्र धोने से मिट भी जाता है और कुछ समय के उपरांत नष्ट भी हो जाता है। आपकी इस विचित्र कृति को जब भी निहारते हैं तब मोह ममता और अन्य सांसारिक बंधनों की भयावहता का आभास पाने पर केवल दुख ही होता है। यह संसार सूर्य किरणों से उत्पन्न होने वाली जलभ्रांति रूपी मृग मरीचि का है। जिस प्रकार रेगिस्तान की चमकती हुई रेत में सूर्य की किरणों के फलस्वरूप जल का भ्रम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस मिथ्यामय सृष्टि में भी माया के आकर्षणों के फलस्वरूप वास्तविकता या सुख आदि की प्राप्ति का भ्रम हो जाता है। सच तो यह है कि यह संसार सूर्य की किरणों में जल के समान भ्रम जनित है। यही कारण है कि सूर्य की किरणों में भ्रम से जो जल दिखाई देता है उस जल में एक भयानक मगर रहता है। वैसे तो इस मगर का मुंह नहीं है, फिर भी जो भी प्राणी वहां जल पीने के लिए जाता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, उसे यह मगर ग्रस लेता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि सूर्य की किरणों में झिलमिलाती हुई जाई को जल समझकर उसके पीछे दौड़ने वाला मृग जल न पाकर प्यासा ही मर जाता है। उसी प्रकार इस भ्रमात्मकता में कल्पित सुख को सुख का सत्य समझकर उसके पीछे दौड़ने वाले प्राणियों को बिना मुख का अर्थात निराकार काल खा जाता है। कोई द्वैतवादी इस संसार को सत्य मानते हैं तो कोई अद्वैतवादी एकदम मिथ्या, और कोई निम्बकाचार्य, पतंजलि, प्रभृति साख्य विचार वाले इस दर्शन को सत्य और मिथ्या दोनों ही मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इन तीन भ्रमों का त्याग कर देता है वही आपको और आपकी इस कृति के वास्तविक रूप को पहचान सकता है। दार्शनिक विचारधारा से संपृक्त इस पद में तुलसीदास ने संसार की विचित्रता और राम भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है। इसके साथ ही कवि ने दार्शनिक मतों की निस्सारता पर भी संकेत दिया है। इस पद में व्यतिरेक, विभावना और विरोधाभास अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। माधव मोह पास क्यों टूटे, माधव मोह पास क्यों टूटे, बाहर को
माया के वशीभूत हुआ सांसारिक प्राणी एक ओर विषयग्रस्त हो जाता है तो दूसरी ओर मोहग्रस्त। फलतः वह अपने जीवन के परम लक्ष्य प्रभु प्राप्ति से भटक जाता है। इस स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए ही विविध धर्मों में जप तप, पूजा पाठ आदि विविध साधन बनाए गए हैं, जिनका एक रूप बाह्य पाखंड भरा है तो दूसरा आंतरिक पवित्र ज्ञान से परिपूर्ण। इस प्रथम अर्थात बाह्य साधन की असफलता का दिग्दर्शन तथा सच्चे ज्ञान और उसकी प्राप्ति के उपाय को तुलसीदास ने इस पद में स्पष्ट किया है। आलोच्य पद में तुलसीदास ने कहा है कि हे माधव, संसार के प्रति मेरे मन में बसी हुई यह मोह की फांस क्यों कर और किस प्रकार टूटेगी यह मैं नहीं जानता, क्योंकि यह सांसारिक मोह की फांस बाहरी नहीं हृदय के अंदर बनी हुई एक ग्रंथि है। अतः इस ग्रंथि को खोलने और इससे छुटकारा पाने के लिए हृदय से ही प्रयत्न करना संभव हो सकेगा। घी से भरे हुए कढ़ा रूपी हृदय में जो चंद्रमा रूपी विषय वास्ताओं आदि का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस प्रतिबिंब को हटाने के लिए यदि उस कढ़ा के नीचे विषय वासना की संतुष्टि के ईंधन की अग्नि जलाने जैसे बाह्य प्रयास सैकड़ों कल्प तक भी किए जाएं, तब भी वह प्रतिबिंब नष्ट नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार किसी वृक्ष के कोटर में निवास करने वाला पक्षी केवल वृक्ष को काट देने से ही नहीं मरता, उसी प्रकार विचार रहित मूर्खता भरे मन से अनेक प्रयास करने पर भी मन शुद्ध नहीं हो पाता। जिस प्रकार बाम्बी अर्थात सांप के बिल को विभिन्न प्रकार से मारते रहने पर भी उसके अंदर छिपकर रहने वाला सर्प नहीं मरता, उसी प्रकार विषयों में अत्यधिक आसक्त हुआ मन अंदर से मलिन होने की स्थिति में केवल शरीर को धोने मात्र से पवित्र नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के शरीर रूपी बाम्बी पर अनेक पाखंड भरे बाह्य साधनाओं के प्रहार करते रहने से डर में रेंगते रहने वाला मोहरूपी सर्प समाप्त नहीं हो सकता। अंत में कवि कहता है कि परमात्मा रूपी गुरु की करुणा से आप्लावित दया भाव के बिना पवित्र ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और बिना इस ज्ञान की प्राप्ति के कोई भी व्यक्ति संसार रूपी भयंकर सागर का पार नहीं पा सकता है। गीति काव्य की दृष्टि से तुलसीदास का यह पद उत्कृष्ट काव्य कौशल का परिचायक है। इसमें ज्ञान की महत्ता, गुरु का गौरव और बाह्य पाखंड भरी साधनाओं के विरोध में कबीर का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्रस्तुत पद की प्रतीकात्मकता काव्यात्मक तो है ही, उसका निर्वाह भी अत्यंत सशक्त बनाकर किया गया है। इस पद की उपमान योजना अत्यंत सुंदर है। इसमें उदाहरण रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखते ही बनता है। कब हो यही रहनी रहोगो।
प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने एक आदर्श भक्त अथवा एक आदर्श भक्ति के लिए संत के स्वभाव और उनके गुण आदि के महत्व को प्रतिपादित किया है। कवि की विचारधारा की दृष्टि से यह एक विशिष्ट पद है, जिसमें संसार के सभी प्रमुख धर्मों में सन्निहित मानव कल्याण के गुणों का उल्लेख है। आदर्श राम भक्त बनने की अपनी कामना और उसके लिए आवश्यक चारित्रिक गुणों को प्रकट करते हुए कवि ने कहा है, क्या कभी मैं इस प्रकार बन सकूंगा और कृपा करने वाले श्री राम की कृपा से क्या मैं संत वाला स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा? संतों वाले उस स्वभाव को ग्रहण करके मैं सदा उचित लाभ प्राप्त करके ही संतोष करूंगा और किसी से कुछ और नहीं पाना चाहूंगा। सदैव परोपकार में लीन रहूंगा और मन कर्म और वचन से सभी प्रकार के नियमों का पालन करूंगा। दूसरों के द्वारा कहे गए कठोर वचनों को सुनकर किसी प्रकार का क्रोध या संताप नहीं करूंगा तथा अभिमान रहित होकर संत स्वभाव से दूसरों के गुण ही देखूंगा, बुराई नहीं। देहजन्य चिंता को छोड़ते हुए सदैव सुख और दुख दोनों को समान भाव से ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसी पथ पर दृढ़तापूर्वक चलकर मैं आपकी भक्ति को प्राप्त करूंगा। विनय पत्रिका के उद्देश्य कथन की दृष्टि से यह पद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि यह पद सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वजनिन बन गया है। जाके प्रिय राम बैरे, जाके प्रिय राम बैरे, तजिए ताही कोटि बैरी सब, यद्यपि वरम सरे, जाके प्रिय राम। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने अपने आराध्य श्री राम और सीता के प्रति अपनी भक्ति की अनन्यता को प्रकट किया है। कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति को राम और सीता प्रिय नहीं है, उस व्यक्ति को करोड़ों शत्रुओं के समान
शत्रु मानते हुए छोड़ देना चाहिए, चाहे वह अत्यंत प्रेम करने वाला ही क्यों न हो। प्रभु की भक्ति के लिए प्रह्लाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप, विभीषण ने अपने भाई रावण, भरत ने अपनी माता कैकेयी, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य तथा ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पतियों को इसी कारण त्याग दिया था, और परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम और देवी सीता ने उनको अपनी शरण में लेकर आनंदित और कल्याणकारी भक्त बना दिया। अतः उपर्युक्त उदाहरणों से यही सत्य प्रमाणित होता है कि श्री राम से ही प्रेम के संबंध होना चाहिए। सांसारिक संबंध रूपी उस काजल से क्या लाभ जिसे आँख में लगाने से आँख ही फूट जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसीलिए हमारे लिए तो वही व्यक्ति सभी प्रकार से परम हितैषी, पूज्य और प्राणों से भी अधिक प्रिय है जिसे श्री राम चरणों से प्रेम हो, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। इस पद में रागात्मकता, भावात्मक केंद्रीयता, संगीतात्मकता एवं संक्षिप्तता आदि गीत के सभी तत्व परिलक्षित होते हैं। इस पद में कवि ने अपनी राम भक्ति की अनन्यता और अचलता को बहुत कुशलता से उदाहरण एवं तर्क सहित प्रस्तुत किया है। यह कवि की विचारधारा का प्रतिनिधि पद है। इस पद में अनेक पौराणिक उदाहरण हैं जो राम और कृष्ण दोनों अवतारों से संबद्ध हैं। इस पद में भाषा की सरलता विशेष रूप से दर्शनीय है। उपमा, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कौशल दर्शनीय है। मन पछीते अवसर बीते, मन पछीते अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, कर्म वचन रुहीते, मन पछीते प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने संसार की निस्सारता और माया मोह आदि को त्यागने की बात कहते हुए प्राणी मात्र को यह परामर्श दिया है कि वह राम की भक्ति करे। यह एक मनोविज्ञान सम्मत तथ्य है कि जब तक मनुष्य मानव शरीर सांसारिक संपन्नता और निकट संबंधियों के मोह का त्याग नहीं करता, तब तक वह ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए अपने मन को संबोधित करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि अरे मन, इस जीवन की अवधि का अवसर बीत जाने पर तू पछताएगा।
तूने यह दुर्लभ मानव शरीर पाया है, इसलिए तू अपने कर्म, वचन और हृदय से प्रभु के श्री चरणों का भजन कर। हे मन, तुझे सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि सहस्त्र भुजाओं वाला सहस्त्रार्जुन और 10 मुखों वाला रावण भी बलशाली मृत्यु के चंगुल से बच नहीं सका। हम करते हुए इस संसार में विपुल धन और धाम संभाल कर रखने वाले भी मरने के पश्चात खाली हाथ ही चले जाते हैं। अपने अत्यधिक मोहपात्र पुत्र और पत्नी को भी एकदम स्वार्थरत समझ और इनसे प्रेम न कर। ये दुष्ट भी अंतकाल में तुझको त्याग देंगे, इसलिए तू अभी से इनको क्यों नहीं त्याग देता? अच्छा तो यह हो कि अब तू सबके स्वामी श्री राम से प्रेम कर। अरे मूर्ख, जाग और बुरी आशाओं को मन से त्याग। काम की अग्नि भला कहीं विषय भोग रूपी घी से बुझती है? नहीं, इसलिए इस कामाग्नि का दमन कर। तुलसीदास ने इस पद में काम विषयक भावना से परे जीवन के अटूट सत्य प्रभु श्री राम की भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है। सहस्त्रबाहु और 10 बदन की अंतरकथा का संकेत भी इसी तथ्य की सापेक्षता से संदर्भित है। इस पद में अनुप्रास, पुनरुक्ति और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। आलोच्य पद में तुलसीदास ने मोहग्रस्त अज्ञानी मानव मन का अत्यंत सूक्ष्म, मनोविज्ञान सम्मत, यथार्थ परक और स्वाभाविक स्थिति का चित्रण किया है। इसमें दासी भक्ति के अंतर्गत आत्मपश्चाताप, ग्लानी, भर्सना, अज्ञानता, शठता, व्यवस्था और विनय याचना का बहुत ही मर्म स्पर्शी काव्यमय चित्रण हुआ है। अपने विषयासक्त मन की भर्सना करते हुए आत्मा की दुरावस्था प्रकट करके अपने इष्ट देव से कृपा की याचना करते हुए कवि कहता है कि मेरे इस अज्ञानी मन ने मुझे बहुत भटकाया है, हे करुणामय राम सुनो। अपने इस मन की संतुष्टि के लिए मैं इस संसार में अनेक बार जन्म ले लेकर दुखी होकर रोया हूँ। शीतल, मधुर और सहज सुख प्रदान करने वाले अमृत के निकट रहते हुए भी मैंने उसको दूर जानकर खो दिया, यह सोचकर कि वह मुझे सुगमता से प्राप्त नहीं हो सकता। मोह के वशीभूत होकर मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन सब कार्य व्यर्थ सिद्ध हुए। मैं मंद बुद्धि हूँ, मैंने जल को बिलोकर उसमें से घी निकालना चाहा, जो संभव नहीं था। इसी तरह मैंने अपने मन में बसी कुवासनाओं रूपी कीचड़ को कुकर्मों रूपी गंदगी से धोना चाहा, वह भी संभव नहीं था। इसी तरह मेरा अतृप्त मन प्यासा होने पर राम भक्ति की देवगंगा को छोड़कर बार बार व्याकुल होकर सांसारिक कुकर्मों के
शून्याकाश को निचोड़कर परमानंद रूपी नवजल को प्राप्त करना चाहता था, जो असंभव था। मैंने व्यर्थ ही सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के प्रयत्न किए, किंतु हे तुलसीदास के प्रभु, अब आप ही मुझ पर कृपा करो। मैंने अपने कोई दोष आपसे नहीं छिपाए हैं, हे नाथ। मेरी तो समस्त जीवनावधि रूपी रात्रि बिस्तर बिछाते बिछाते व्यतीत हो गई, और फलस्वरूप मैं कभी भी नींद भर नहीं सोया हूँ। तात्पर्य यह है कि मेरा सारा जीवन उपाय करते करते और साधन जुटाते जुटाते ही व्यतीत हो गया, जिससे मैं आत्मबोध की सुख भरी पूरी निद्रा नहीं ले सका हूँ। यह पद लाक्षणिक शैली का सुंदर प्रमाण है। यहाँ पर मुहावरों और देशज शब्दों का प्रयोग दर्शनीय है। इस पद में अनुप्रास, पुनरुक्ति और रूपक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के बहुचर्चित एवं लोकप्रिय भक्त कवि थे। वे श्री राम के अटल भक्त होने के साथ साथ उत्तम कवि, परंपरागत हिंदू धर्म संस्कृति के अनुयायी, परंपरानुमोदित नैतिकता मर्यादा के अनुसरणकर्ता एवं समर्थक भी थे। वे युगद्रष्टा थे। तुलसी का काव्य समन्वय की भावना से अनुप्राणित था। एक ओर जहां उन्होंने रचना धर्म के निर्वाह में भाषा के साथ भाव का, रस के साथ गुण का, शब्द के साथ अर्थ का और अलंकार के साथ शब्द शक्तियों का मेल किया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने लोक और शास्त्र का, गार्हस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, लोकभाषा और संस्कृत का, निर्गुण और सगुण का तथा पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय भी किया है। सच तो यह है कि उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इसी समन्वयशीलता के कारण तुलसी का काव्य अद्भुत रूप से विश्व भर में बहुत लोकप्रिय हुआ है। धर्मनायक, धर्म प्रणेता और केवल हिंदू धर्म विस्तारक जैसे संकीर्ण विशेषणों से पृथक तुलसीदास निश्चित ही श्रेष्ठ कोटि के हिंदी काव्यकार हैं। आज भी उनका संपूर्ण साहित्य प्रासंगिक एवं समूची मानवता के लिए एक आदर्श प्रेरणा का दीप स्तंभ है।